निकल के उस गांव से उनकी कुछ निशानी लेकर आए हैं जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी के, हाँ आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी दिनकर के जमीन की मिट्टी लेकर आए हैं। ये आदरणीय प्रशांत किशोर जी को सहृदय भेंट देना चाहते हैं। ये उस क्रांतिकारी धरती की मिट्टी है जहाँ हमारे पूर्वज आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर खुद जन्म लिए थे, जहाँ उन्होंने अपने जीवन की कर्मयोग की। अब आप लोग इतने देर से इंतजार कर रहे हैं तो बिना सबके समय लिए हुए मैं एक बात के साथ उस व्यक्ति को आवाज दूं जिसने हम जैसे करोड़ों नौजवानों के दिलों में वो चिंगारी पैदा की, वो उम्मीद पैदा की, जिससे लग रहा है कि हाँ हम लोग मिलकर अगर ये सामूहिक प्रयास करेंगे तो जल्द ही हम लोग को बिहार का वो चेहरा देखने को मिलेगा, बदलता रंग देखने को मिलेगा। इस बात के साथ मैं उनको आवाज दूं कि हम तो अकेले ही चले थे साले में मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आदरणीय प्रशांत किशोर जी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप समय निकाल कर यहाँ आए हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। इस पूरे अभियान में जहाँ तक होता है हम लोग कोशिश करते हैं कि शहरों में ना जाएं, तो राजनीति की समझ रखने वालों की जो सोच है, समझ रखने वाले लोगों की, उससे उलट है। लोग ये समझते हैं कि राजनीति में हवा बनाना है तो बड़ी सभा करना पड़ेगा, शहरों में बाजार में जब चर्चा होती है तो हवा वहाँ से गांव की ओर जाती है। लेकिन इस पूरे अभियान में हमने एक ध्यान रखा इस बात का कि शहरों को अवॉइड करते हैं, पैदल चलते हुए भी ब्लॉक के हेडक्वार्टर पर भी नहीं जाते हैं। और बेगूसराय में हम एक महीना से हैं, लेकिन आज दो दिन हमने निकाला है शहर के लिए और इसमें एक ही बैठक करते हैं जिसमें समाज के सो कॉल्ड प्रबुद्ध लोगों को एक निमंत्रण है, हमको आपको जानने सुनने का मौका है और आपसे कुछ सवाल जो आपके मन में है वो उसका भी जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऐसा इसलिए है कि जो शहर में जो सो कॉल्ड प्रबुद्ध लोग हैं आपकी चिंता बहुत है, चिंतन भी बहुत है, लेकिन एक्शन कुछ नहीं है। मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, हम लोग सब मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हम लोग की चिंता बहुत है, देश कहाँ जा रहा है, समाज में क्या हो रहा है, कैसे सुधरेगा, चिंता भी आपको बहुत है क्योंकि आपकी सोचने की समझने की क्षमता भगवान ने आपको दी है। लेकिन हम वो लोग हैं कि अपने गाड़ी में शीशा उठाकर एसी ऑन कर लिए तो समझ लिया कि बाहर गर्मी नहीं। मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो सबसे ज्यादा, दुनिया का रिसर्च बताता है कि जो मिडिल क्लास है ये समाज का सबसे असंवेदनशील वर्ग है। हम लोगों को, हम लोग की संवेदना खत्म हो गई है धीरे धीरे। इसीलिए मेरी कोई बहुत आशा अपेक्षा भी आपसे नहीं है, मैं बहुत कड़वी बात कहता हूं। आप इतने लोग यहाँ आए हैं, हमको कोई बहुत आपसे आशा अपेक्षा नहीं है। आप परिवर्तन नहीं कर सकते, आप में वो जज्बा ही नहीं है, हम में वो जज्बा नहीं है। अगर परिवर्तन कभी होगा तो होगा गांव का जो भूखा नंगा आदमी है वही करेगा। आपको हमको तो चिंता है, एक दिन जाएंगे आज दुकान बंद हो जाएगा, आज आमदनी कम हो जाएगा। बहुत लोगों को हमको, आपको ये भी लगता है कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है इसलिए हालत खराब है। लोग हमको भी आकर ज्ञान देते हैं कि इतना जाति है, इतना लोग अब अनपढ़ है, इसीलिए बिहार का दुर्दशा है। हम अभी आप इस बात शाम की चर्चा की शुरुआत एक सवाल से करेंगे जो मैंने पूरे 4500 से ज्यादा गांव में किया है और आपसे भी ये करेंगे और आपको एक मिनट में अभी दिखेगा कि कैसे आपकी सारी विद्वता, आपका ज्ञान, आपका अनुभव बिहार में अनपढ़ गरीब बेकार समझे जाने वाले लोगों से बिल्कुल अलग नहीं है। मैं एक मिनट में एक सवाल पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना है, हाथ उठाकर सबको बोलना है। पूरे बिहार में और कुछ हो या न हो आपकी समझ से
सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आइए, हाँ, जिसको इसको लगता है होना चाहिए जोर से बोल दीजिए, होना चाहिए। इतनी समझ तो सबको है, सबको है। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी आधा आधा घंटा इस पर भाषण दे सकता है, हम आपका सिर्फ 15 सेकंड लेंगे। अब जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर यहाँ बैठे हुए जितने प्रबुद्ध समझदार अनुभवी लोग हैं, अपने बच्चों के नाम पर आप में से जो भी चाहे ये बता दे कि आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है। देखिए पूरा पूरा देखिए, पूरा देख लीजिए। और आप अकेले नहीं है मेरे भाई, 4500 गांवों में हम पैदल गए हैं और अपने भाषण की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। आज तक बिहार में किसी गांव में किसी समुदाय का कितना भी पढ़ा लिखा किसी मंच पर बैठा हुआ या पीछे खड़ा हुआ, किसी ने ये नहीं कहा कि भैया हमने अपने बच्चों के लिए वोट दिया है, बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है। तो क्यों आप बेकार की बात करते हैं, क्यों बेकार का लंबा चौड़ा भाषण देते हैं और आपका वोटिंग बिहेवियर किसी अनपढ़ दलित जो 500 रुपया लेकर वोट बेचता है उससे अलग कैसे है? क्यों अपने आप को बड़ा बना रहे हैं? यहाँ आप आए हैं हमको देखने कि कौन आदमी है 16 महीना से पैदल चल रहा है। मेरे भाई, बड़ी बड़ी बात लोगों ने कहा, बिहार समाज बदलने साथ चलने का हमको इतना अनुभव है, आप किसी पदयात्रा करने वाले आदमी को देखने नहीं आए। हम 10 वर्ष जो काम किए हैं उस काम की आंच है जो आपको लेकर यहाँ आई है। पदयात्रा तो हम जीवन भर करने आप नहीं आने वाले। जिस काम का लोग शिकायत करते हैं, करे तो वो आदमी है जो पैसा लेके काम करता था, उसी काम की पहचान है जो आपको खींच कर यहाँ लाई है, नहीं तो कोई नहीं आना चाहता। हम जब पैदल चलते हैं तो हम जानते हैं कि लोग बैठा हुआ हम पर हंस रहा है, हमारा घर वाला भी हम पर हंसता है। लोग, अरे कितना बढ़िया जिंदगी चल रहा था, चार्टर प्लेन से चल रहे थे, मुख्यमंत्री से नीचे तो किसी से बतियाने का जरूरत नहीं है, वो छोड़ के कहां कहां गांव में घूम रहे हो। लोग हंसता है कि देखो क्या इनका दशा हुआ है, घूम रहे थे, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो 10 वर्ष हमने काम किया है उसको डर भी है, वो जानता है कि आदमी कितना भी कुछ भी हो बेवकूफ नहीं है, है तो समझदार। अगर कर रहा है तो कुछ सोच समझ के ही कर रहा होगा। तो जितना राजनीति करने वाला आदमी है वो सोचता है चलो इधर भी वो गमछा डाल दे, पता चला कुछ प्रशांत किशोर बखेला खड़ा किया तो सब जमीन साफ हो जाए। इसीलिए आता है मुखिया सरपंच प्रभु जिला पार्षद, भैया आप ही के साथ है, आप ही से बिहार सुधरे। हम जान रहे हैं कि उसको कुछ ये सोच नहीं, खाली विशुद्ध तौर पर गमछा रखने आए। जितना दल का नेता है, आपका सांसद विधायक जितना जो बड़ा नेता बनता है, जब हम जाते हैं उसके विधानसभा में मैसेज भेजता है, प्रशांत जी कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा हम आपके साथ, बताइए सांसद है दूसरे पार्टी से, मैसेज हमको भेज रहा है। कहीं प्रशांत किशोर ये तक कह देगी सब छोड़ बेगूसराय में तो लड़बे करेंगे, आपका तो खटिया खड़ा हो ये जाएगा। नेता सब बहुत समझदार लोग हैं, तभी तो इतना लोग को एक साथ मूर्ख बना रहा है। तो ये हमारे चलने की पवित्रता की ताकत नहीं है, हम तो चाहते हैं कि इसको बहुत ईमानदारी और पवित्रता से करें, लेकिन समाज उस पवित्रता को बहुत अच्छे से नहीं देखता, उसको तो बेवकूफी समझते हैं हम कि देखिए पैदल चल रहे हैं, अरे इससे क्या होगा। अगर 10 करोड़ रुपया खर्चा करके 5 लाख आदमी को गांधी मैदान में भर दें तो सब कहेगा देखिए हवा बना दिया प्रशांत किशोर, देखिए 2 लाख आदमी जुटा था, आदमी वही सुनना चाहता। हम एक दिन जिला भर के लोगों को बुलाते हैं जब जिला में इंटर करते हैं, अब वो पदयात्रा का सबसे खराब दिन होता है क्योंकि उसमें कुछ नहीं होता है, जिला भर का आदमी आता है रोड पर, हमको भी धक्की आता है और धक्का खाते हुए 10 किलोमीटर आप जिला में घुसते हैं और सब आदमी आके कहता है भैया बड़ा माहौल बन गया आज जिला में, सब और चर्चा हो रही है।
उस दिन ना हम आपको जाने, ना आप हमको जाने, ना हमने किसी समस्या के विषय में बात की, ना लोगों से मिले, लेकिन लोगों को वही पसंद है। और जिस दिन हम पदयात्रा में 150 लोगों के साथ चलते हैं, तो बाहर में लोग जब समझते हैं एक्चुअली कि क्या दिक्कत है, क्या आदमी की परेशानी है, उस दिन आदमी बैठ के कहता है, अभी भैया जन सैलाब नहीं आया है आपके साथ, जयपुर जन सैलाब खोलने आया, ये दुर्दशा है हम लोगों की, बिहार के लोगों के जैसे, आप जैसे, हमारे जैसे लोगों के लिए ही। ग्रीस में एक बहुत बड़े दार्शनिक थे प्लेटो, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। आज से सैकड़ों साल पहले प्लेटो ने लिखा कि जिस समाज में अच्छे और समझदार लोग लोकतंत्र में भागीदार नहीं बनते हैं, उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि समाज का कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर उन पर शासन करेगा। तो बिहार के लोगों के लिए इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। आपने हमने जब प्रयास ही नहीं किया, जो अच्छा है सोचता भैया हम क्या करें, अरे हमसे क्या होगा, ये तो बड़ा गंदा है, तो छोड़ के हट गया, तो जो मूर्ख बचा, लंपट बदमाश बचा, वही नेता। बिहार में नेता कौन है, जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले वो नेता, जिसको भाषा का विषय का ज्ञान न हो वो नेता, जो बदमाश हो, चार को राइफल बंदूक लेके चलता है, उसी को हम लोग आप लोग कहते हैं कि जमीनी नेता है, बहुत मजबूत है। कोई पढ़ा लिखा आदमी सज्जन खड़ा हो जाए, हम लोग घर में बैठ के हंसते हैं, अरे नहीं चलेंगे, आदमी कहता ना आदमी तो अच्छा ही चलेगा नहीं। कल डॉक्टर साहब हमसे मिले तो एक सभा में बोले कि हमको कोई राजनीतिक सहूर नहीं है, तो हमसे हमने इनसे आग्रह किया कि साहब हमारा प्रयास यही है कि उन लोगों को ढूंढे जिनको राजनीतिक सहूर नहीं है, अगर सहूर होगा तब तो आप भी नीतीश कुमार हो जाएंगे, उनसे बढ़िया राजनीतिक सहूर किसी को नहीं है। नीतीश कुमार का राजनीतिक सहूर कितना बढ़िया है, सब आदमी को लोग कहता है नीतीश कुमार को पलटू राम, हम आपको कह रहे हैं नीतीश कुमार पलटू राम नहीं, ये उनकी खूबी नहीं है, उनकी खूबी ये है कि पूरे बिहार को पलटू राम बना दिया। तो अपने पलटू राम है तो मालूम है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी पलटू राम बन गए, ये नीतीश कुमार की इच्छा का ताकत है। जितने कार्यकर्ता भाजपा के हैं समर्थक मोदी के भक्त लोग, आप लोग सब रातों रात पलटने के लिए मजबूर है, और नीतीश कुमार को विकास का पुरोधान मांगने के लिए आप मजबूर है। कल तक बेचारा आरजेडी का समर्थक वर्ग नीतीश बाबू को देश का भविष्य बता रहा था, ये नीतीश की ताकत है कि अब सब आरजेडी के आदमी को कल से शराब में माफिया दिखने लगेगा, बालू में हेरा फेरी समझ में आने लगेगा, ये आदमी खुद नहीं पलट रहे, पलटने वाले तो देश में बहुत नेता है, ये एकमात्र नेता है जिसने पूरे बिहार को पलटना सिखा दिया, ये दुर्दशा है हम लोगों का, इसलिए ये प्रयास कर रहे हैं, हम भी इसके दोषी हैं। इस आदमी को एक अंतिम जीवन राजनीतिक जीवन दान हमने 15 में मदद की थी तो मिल गई, न तो उसी समय कहानी इनका खत्म था। ये कोई अहंकार से नहीं कह रहे, बहुत लोग हमसे पूछता है आपका भी सवाल होना चाहिए, अरे आप ही तो मदद किए थे 14-15 में, अब काहे ज्ञान दे रहे हो, ठीक बात है, लेकिन मेरे भाई 14-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, 14-15 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। जिस नीतीश कुमार की मदद हमने की थी, उस समय उस आदमी की छवि ये थी कि 2005 के बाद कोई एक नेता आया है जो बिहार को सुधारने का प्रयास कर रहा है, हमको बिहार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, तब तो हम मोदी के साथ थे। नीतीश कुमार अपना पद छोड़ के मांझी जी को बना दिए थे मुख्यमंत्री, इनको किसी ने बताया कि मोदी जी का जो अभियान चला है वो बिहार का एक लड़का है वही चलाता है, हमसे दिल्ली मिलने आए, हमने उनको बताया कि सर आप तो बिहार बढ़िया चला रहे थे, अभी तो शुरुआत हुई है विकास की कुछ, और आप काहे छोड़ के मांझी जी को बना दिए, तो कहा उन्होंने कि हम तो लोकसभा में हमको जनता ने हरा दिया, अब हम किस मुंह से रहते उस पद पर, तो हमने कहा सर लोकसभा में हराया है आपको, तो हराया नहीं है,
और लोकतंत्र में आपको अधिकार ये जनता ने थोड़े दिया है कि आपको चुनाव, आप हफ्ते अपने ड्राइवर को बना दीजिए, जिसको मन है उसको बना दीजिए, आप वापस आइए और हम लोग अपनी ओर से मदद करेंगे जिस तरह से भी हो सकता है। आप बिहार को सुधार रहे हो, राष्ट्र यात्रा जारी रहनी चाहिए। बात माने दो तीन महीना में मांझी जी को हटाए, खुद बने, हमने उनकी मदद भी की, वो जीत कर आए। लेकिन उस समय के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क, नेता के तौर पर, प्रशासक के तौर पर, मानवता के आधार पर, नेता के प्रशासक के तौर पर। इस आदमी को हम लोग सुशासन बाबू कहते थे, आज इनके शासन को लोग अधिकारियों का जंगल राज बता रहे हैं। नेता के तौर पर उनमें राजनीतिक मोरालिटी बची हुई थी कि भाई इस पार्टी को धक्का लगा लोकसभा में तो उस आदमी ने पद छोड़ दिया, और आज 2020 में आपने, हमने उनको हरा दिया है। 243 में सिर्फ 42 विधायक है, फिर भी कभी भाजपा का पैर पकड़ के, कभी लालटेन पर लटक के कुर्सी छोड़िए नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात मानवता की है, सबसे बड़ी बात मानवता की है, जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, आप में से कुछ लोगों को पता होगा, याद होगा, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, गैसल असम में एक रेल दुर्घटना हुई थी, उस समय नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, कोई 200 लोगों की मृत्यु हुई उस रेल दुर्घटना में, तो नीतीश बाबू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वाजपेयी जी ने जब इस्तीफा नहीं स्वीकार किया तो नीतीश जी ने कहा कि अगर हमारे कुर्सी पर रहते हुए 200 लोगों की मृत्यु हो गई तो हम कैसे बैठेंगे उस कुर्सी पर। आज वही नीतीश कुमार है, आपने, हमने देखा कोरोना के दौरान में हजारों लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, पूरे देश में संकट आया, लेकिन जितना संकट बिहार के बच्चों पर आया उतना कहीं नहीं, किसी को नहीं आया। 1,00,000 से ज्यादा बच्चे घरों से निकाल दिए गए, लोग पैदल चल के आया, ये आदमी 1 महीना घर से बाहर नहीं निकला, 2 बस का व्यवस्था तक नहीं किया, इस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। लेकिन बात नीतीश की करने के लिए हम नहीं खड़े हुए हैं आपसे। लोग कहता है भैया उनका पहले मदद किए थे, उनका मदद किए थे, मेरे भाई लोकतंत्र में वोट और भरोसा 5 वर्ष के लिए है। संविधान ने, किसी संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझ के 5 वर्ष का नियम बनाया है, सिर्फ देश में नहीं पूरे दुनिया में। ऐसा क्यों है कि 5 वर्ष का चुनाव होता है, 10 वर्ष पर भी हो सकता था। ये इसलिए है कि जिस नेता पर, दल पर, विचारधारा पर, झंडे पर आपका भरोसा है, आप उसके साथ खड़ा होइए, उसको वोट दीजिए, उसकी मदद कीजिए। लेकिन वो वोट, वो भरोसा 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। बिहार की परेशानी का कारण यह है कि हम लोग राजनीतिक बंधुआ मजदूर बन गए हैं। कोई जात के नाम पर लालू जी का बंधुआ मजदूर है, कोई धर्म के नाम पर मोदी जी का बंधुआ मजदूर है, कोई लालू जी के डर से भाजपा का झंडा उठा के घूम रहा है, और कोई भाजपा के डर से लालू जी का बंधुआ मजदूर बन गया है, कोई अपने और अपने बच्चों के लिए वोटे नहीं कर रहा है बिहार से, तो आखिर स्थिति सुधरेगी कैसे। इसीलिए ये अभियान चला रहे हैं, गांव गांव जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, एक ही संदेश दे रहे हैं कि भाई एक बार हमारी बात मानो, एक बार हमारी बात मानो, और एक बार देश की चिंता छोड़ दो, राज्य की चिंता छोड़ो, जाति की चिंता छोड़ो, मोदी लालू नीतीश को छोड़ो, प्रशांत किशोर को छोड़ो, एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दो, अपने बच्चों के लिए वोट दो। कितना यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप सब ज्यादातर लोग मोदी जी के भक्त हैं, सब भाजपा के वोटर हैं, यहाँ हमको पता है, बहुत लोग हैं, चिंता मत कीजिए, अरे है भी तो कोई खराबी नहीं है, अरे हम लोग खुद दिए हैं वोट भाजपा को, अरे हम तो खुद मोदी जी का झंडा उठाकर घूमे हैं 14 में, इसमें शर्म की क्या बात है। ठीक है, आप हमसे अच्छे हैं, आप प्रोफेशनल हैं, घूम सकते हैं, मान लिया, आप प्रोफेशनल हैं, घूम सकते हैं जी, सारा लोग प्रोफेशनल नहीं होता जी, इसीलिए हम प्रोफेशनल हैं तो कम से कम अपने बच्चे की चिंता कर रहे हैं, जो विचारधारा के गुलाम है वो अपने बच्चों को भी गुलाम बनाकर जी रहे हैं। हम ऐसे ऐसे विचारधारा के गुलाम नहीं है, हम विचारधारा के पक्ष के लोग हैं, विचारधारा के नाम पर अंधभक्ति करने वालों के घोर विरोधी। मानव सभ्यता के इतिहास में विचारधारा का जाल फैलाने वाले लोग, जितने
पूरे मानव सभ्यता के इतिहास में जितने बड़े क्राइम किए गए हैं वो सब विचारधारा के नाम पर किए गए हैं। और जो विचारधारा का नेता होता है वो यही सोचता है कि विचारधारा के नाम पर सब लोग हमारा भक्त बना रहे हैं। आप कम्युनिस्ट को मानने वाले हैं तो कम्युनिस्ट वाला क्यूबा से मंगा कर सिगार पिएगा और सोचेगा कि सब आदमी नंगा घूमता रहे विचारधारा के नाम। आप भाजपा के विचारधारा को मानने वाले हैं तो आपका नेता ये सोचता है कि किसी गरीब को अगर रोड पर मार दिया जा रहा है तो आवाज मत उठाओ क्योंकि वो मुस्लिम है। अगर आप कांग्रेस के विचारधारा के हैं तो आप यहाँ लालू और आप मिलकर लूट रहे हैं तो आपका नेता कहेगा विचारधारा के मानने वाले हो इसलिए विरोध मत करो, हम उस विचारधारा के मानने वाले नहीं है। और आप जितना ही आप देश में विचारधारा का बात करने वाला है एक बार आपको आग्रह करूंगा जाकर गांधी को पढ़िए, गांधी को जाकर पढ़िए। गांधी ने कहा वेजिटेरियन बनिए, उस हिसाब से तो आरएसएस के विचारधारा के करीब थे। गांधी ने ग्राम स्वराज की बात कही, उस हिसाब से तो सोशलिस्ट हो गए। गांधी ने एसेट ओनरशिप स्टेट के एसेट ओनरशिप की बात कही, उस हिसाब से वो कम्युनिस्ट हो गए। गांधी थे खुद कांग्रेस में तो आप बता दीजिए कि गांधी किस विचारधारा के थे। गांधी ने कहा कि जो लोगों के लिए सही है वही सही विचारधारा, विचारधारा के नाम पर गुलामी मत करवाइए। और बेगूसराय में हम एक महीना चलने के बाद आपको बता रहे हैं, आप लोग इस बात का बड़ा गर्व करते हैं कि हम लोग बिहार के सेकंड सबसे रिचेस्ट जिला है, 45,000 है तो वही भिकमंगे वाला स्थिति है सबका हम लोग का, लेकिन 45,000 प्रति व्यक्ति आय वाला जिला अपने आप को बड़ा समृद्ध बताता है। देखिए आपकी दशा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000, बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 35,000, बगल में आपका जिला है दरभंगा मधुबनी जहां प्रति व्यक्ति आय है 22,000-25,000, उसके सामने बेगूसराय में है 45,000। तो लोगों को लगता है हमसे धनी तो कोई है ये नहीं है, लेकिन इसके साथ एक और आंकड़ा है बेगूसराय का, वो देख लीजिए। आर्थिक सामाजिक विषमता के मामले में बिहार में 17वां सबसे खराब जिला है बेगूसराय। यहाँ आर्थिक विषमता बहुत ज्यादा है, एक आदमी के पास अगर पैसा है तो पूरा गांव गरीब है। ये आर्थिक विषमता दूसरे जिलों के मुकाबले बेगूसराय में ज्यादा है। और ये सब विचारधारा के बावजूद, जबकि ये विचारधारा की जगह रही है, आप दिनकर का बहुत नाम ले रहे हैं, दिनकर का नाम हम मधुबनी गए तो लोगों ने कहा कि भैया ये प्रबुद्धों की जमीन है, मधुबनी में तो एक से एक विद्वान है, पूरा मधुबनी घूम गए कोई विद्वान नहीं मिला, खाली मजदूर मिला है। हम लोग वो लोग हैं जो कहते हैं हमारे दादा के हाथी बनता था, हमारे पास खाली अब उसका सीकर बचे। दिनकर कभी पैदा हुए थे, अब दिनकर बेगूसराय में नहीं है, दादाजी कभी थे, हम और आप नहीं है, क्योंकि बिहार में जिसकी भी ताकत है बौद्धिक शारीरिक या आर्थिक वो बिहार में है ही नहीं, सब बिहार से आदमी भाग गए। कौन यहाँ बचा है? जिसको कुछ नहीं है वही यहाँ बचा हुआ है मजबूरी में, या जो जीवन के तीसरे चौथे पड़ाव में है वो है यहाँ पर कोई नवयुवक बता दीजिए जो बहुत सक्सेसफुल हो जो रह रहा हो बेगूसराय में, कोई नहीं रह रहा। और ये आपके लिए चिंता का कारण है जो पैसे वाले लोग हैं, आपको लगता है कि हम तो ठीक है हमारा लड़का पढ़ रहा है, मेरे भाई आपकी दुर्दशा गरीब से ज्यादा खराब है। गरीब का बच्चा तो फिर भी छठ में आ रहा था, एक महीना रह रहा है, आपका बच्चा तो दो चार दिन आता है उतने दिन आपको देखने को मिलता है। हमारे अपने बच्चे की दशा देख लीजिए, हमारे बाबू जी 16 कमरा का घर बनवाए, इसमें बेटा रहेगा इसमें पतोह रहेगी, अब उसमें वो दिया जलाने वाला भी कोई नहीं है 5 बरस से, हम अपने बच्चा बेटा बता रहे तब तो, 4 बरस से घर नहीं गए। हमारा बेटा हमारे पास कितना भी पैसा हो वो एक दिन भी बिहार आने वाला नहीं, काहे आएगा बिहार में कुछ है ही नहीं। ये दुनिया का अगर हम लोग अलग देश होता अगर बिहार तो दुनिया के 6वें सबसे गरीब देश होते, अफ्रीका में 54 देश है उसमें भी 4-5 हम लोग से पीछे, हम लोग तो सब आगे। बिहार में ये दुर्दशा, लोग कहता है बेगूसराय में बड़ा धनी लोग रहते, यही तो दुर्दशा है यहाँ। तो ये प्रयास कर रहे हैं लोग, हमको बता रहा है क्यों कर रहे हैं प्रयास, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम कोई आपसे बेहतर है, इसलिए कर रहे हैं
अगर ऊपर वाले ने हमें शक्ति बुद्धि क्षमता दी है, अगर हमारा हिम्मत नहीं पड़ेगा तो बिहार में किसका हिम्मत पड़ेगा। इसलिए कर रहे हैं, आपको सुनना है इसलिए मत रुकना है मत भूलना, इसलिए कर रहे हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है। हमारे बाबा यहाँ पर मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, बाबूजी हमारे डॉक्टर थे, यहीं पर सरकारी विद्यालय से हम पढ़े, यहीं पटना साइंस कॉलेज से पढ़कर निकले, 20,000 रुपए की नौकरी चाहते थे, आज 5,000 आदमी को नौकरी दिए हुए हैं, 1,000 आदमी को खिला पिला सकते हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था चला सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने हमारे पूर्वजों ने कुछ अच्छा किया होगा तभी तो हमको ये मिला है, तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम प्रयास करें तभी सुधरेगा, न तो सुधरने वाला नहीं है, कभी नहीं सुधरेगा, चाहे बिहार में जो स्थिति है सुधरेगा ही नहीं, क्योंकि आपको हमको सुधरना नहीं है, आपको हमको सुधरना नहीं, हमको खाली बतियाना है, बिहार में बात का अंत नहीं है। अभी हम यहाँ बैठेंगे और सब आपका सवाल लेंगे और आप देखिएगा लोग कहेगा भैया जाति से कैसे निपटा जाए, जाति का सोल्यूशन क्या है। अरे मेरे भाई, जो अगर आप राजनीति करना चाहते हैं या राजनीति के जरिए समाज को सुधारना चाहते हैं तो आपके पास ये विकल्प नहीं है कि समाज में सब अच्छा हो जाए तब आप राजनीति कीजिएगा, कि जाति न रहे, भ्रष्टाचार न रहे, बाहुबल न रहे तब हम आएंगे राजनीति करने, तो ना कभी जाति खत्म होगा ना कभी आप आइएगा, ना कभी भ्रष्टाचार खत्म होगा ना कभी आप राजनीति कीजिएगा, और अगर सब खत्म हो जाए, समाज उतना अच्छा बन जाए तो फिर आपकी हमारी जरूरत ही क्या है, जिसने बनाया उसी को राज करना चाहिए। तो सारी समस्याओं के बाद भी आकर प्रयास करने की ही बात है, इसलिए राजनीति की जरूरत है। मैं ये आपसे अपेक्षा नहीं रखता हूं कि आप सब लोग राजनीति में आ जाइए, जरूरत नहीं, लेकिन कम से कम जागरूक नागरिक बनिए। ड्राइंग रूम में बात करने के जो बात कर रहे हैं, वोटिंग जब वोट देने जाते हैं तो ध्यान में रखिए कि जो ड्राइंग रूम में 5 वर्ष बात किए हैं उसी आधार पर वोट कीजिएगा। अंत में आकर आपको भी अक्षत पर ही वोट देना है तो फिर काहे के लिए दूसरी बात कर रहे हैं। जब हम एकदम तंग आ जाते हैं सुनते सुनते, ये भैया ये नहीं है वो नहीं है, पूरा रास्ता दिन बरात निकाली देता है, उससे अच्छा ही बताइए विधायक भी कई बार से जीत रहे हैं, तो भैया 3 बार से, सांसद महोदय कई बार से जीत रहे हैं, तो सांसद महोदय तो भैया 2 बार से जीत रहे हैं, उससे पहले बाबू जी 3 बार से जीत रहे हैं। अरे भाई आप गाली भी दे रहे हैं और उसी आदमी को 5 वर्ष से आप जिता भी रहे हैं 25 वर्ष से, दोनों बात कैसे हो रहा। बेगूसराय में जो सांसद विधायक जो भी है उसको वोट तो बेगूसराय के लोगों ने दिया है ना भाई, आप दूसरे को क्यों दोष देते हैं। जब कुछ जवाब नहीं मिलता आदमी कहता भैया विकल्प नहीं, मेरे भाई विकल्प नहीं है तो आप विकल्प बनाइए, आपको किसने रोका था विकल्प बनाने से। लेकिन जो मैंने आपको कहा कोई एक अच्छा आदमी खड़ा होता है तो पूरा समाज उसको गिराने में लगता है कि ये आए है राजनीति करने, इनका चलेगा। एक अच्छा आदमी हारता है तो 1,000 आदमी की हिम्मत टूटती है अच्छे आदमी के राजनीति में वो नहीं आता। आप हर आदमी यहाँ कोई ना कोई किस्सा कहानी सुना देगा कि निर्दलीय एक अच्छे आदमी खड़े हुए तो उनको 6,000 वोट मिला। एक आदमी जब हारता है सैकड़ों आदमी की हिम्मत टूटती है, इसलिए हम सिर्फ इतना ही मेरा योगदान है कि उन सब अच्छे आदमियों को हम हिम्मत दे रहे हैं कि आपको राजनीतिक शहूर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास साधन व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं है, जाति और समाज का समझ नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर आप समाज को सुधारने के लिए बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सब चिंता अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर पर दीजिए और आइए आप सामने आइए, हम लड़ाकर आपको दिखाएंगे। आप खड़ा तो होइए, आप खड़ा भी नहीं होइएगा तो जीतिएगा कैसे, खड़ा होइए। पैसे का जाति का गुना गलित हम पर छोड़ दीजिए, जिसको आप बहुत बड़ा नेता मानते हैं उसका भी गाड़ी फंसता है तू हमसे सलाह लेता, आप आइए तो सही भाई, आएगा ही नहीं बैठा हुआ है, सोच रहा है पहले सुधर जाए तब आएंगे, सब लोग बैठ के सोच रहा है प्रशांत किशोर का असर देखते हैं जब चुनाव में क्या हो रहा है, अरे जब हो ही जाएगा तो तुम क्या करोगे भाई। इसमें अगर आप इसको देख रहे हैं सोच रहे हैं तो सिर्फ देखते मत रहिए, आपके पैसे की हमें जरूरत नहीं है भगवान की दया से, आपके पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, आपके जज्बे की जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है और आपके एक ईमानदार साथ की जरूरत है, आप लोग उसमें जुड़िए, नहीं जुड़िएगा तो आपके आने वाली पीढ़ी
आप बेगूसराय के हैं कि मधुबनी के, आप कुशवाहा हैं कि पंडित हैं कि दलित हैं कि मुसलमान हैं, बाहर जाने के बाद सबको बिहारी कहकर ही लज्जित होना पड़ता है, सबको बिहारी कहकर लज्जित होना पड़ता है, आपको भी हमको भी सबको बिहारी कहने में शर्म आता है, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग दोषी हैं, कोई दूसरा दोषी नहीं है, यहाँ के लोग दोषी हैं, आप और हम दोषी हैं, कोई नेता दोषी नहीं है, ये भ्रम मत फैलाइए। नरेंद्र मोदी हम अक्सर कहते हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात से उनको 26 एमपी जीत के गया है, हम लोग 39 एमपी जीता कर भेजे, उस नजरिए से बिहार उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन गुजरात में मोदी जी हर पांचवे दिन जाते हैं, हर कुछ कोई ना कोई काम हो रहा है, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 1,00,000 करोड़ का बुलेट ट्रेन बनाया जा रहा है, 1,00,000 करोड़ का बुलेट ट्रेन बनाया जा रहा है। बिहार में आज तक मोदी जी ने, आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, आज तक मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक नहीं किया, एक बैठक काम नहीं, एक बैठक नहीं किया। अगर आप हमको खबर दिखा दीजिए कि आज मोदी जी ने दिल्ली में बिहार के विकास के लिए बैठक बुलाई है, हम आपको वादा कर रहे हैं कल से हम मोदी जी का झंडा लेकर फिर से चलेंगे। जिस आदमी ने 10 वर्ष में आपके हमारे बच्चों के लिए 1 घंटा नहीं निकाला, कल अभी वोट होगा, इसी बेगूसराय की एक एक जनता जाकर मोदी जी के नाम पर वोट देगी, तो आपका हमारा बच्चा गुजरात जामनगर में जाकर मजदूरी नहीं करेगा तो बेगूसराय में फैक्ट्री का मालिक बनेगा। हम लोग का तो यही दुर्दशा, अरे हम तो गांव गांव घूम कर कह रहे हैं कि आपको जिसको वोट देना है दीजिए, जात वाले को ही दीजिए, लेकिन मुफ्त में क्यों दे रहे हो भाई? आप डॉक्टर हैं, आपके जात वाला आपके पास आता है, उससे फीस लेते हैं कि नहीं लेते? आप किसान हैं, अपना धान गेहूं अपने जात वाले को बेचते हैं तो धान मुफ्त में नहीं ना देते हैं? दूध सब्जी कपड़ा बेचते हैं तो उससे पैसा लेते हैं ना? 2 रुपया डिस्काउंट जाता ज्यादा देते होंगे कि मेरा जात वाला? तो वोट मुफ्त में क्यों दे रहे हो अपने जात वाले को? दो अपने जात वाले को, लेकिन अपने बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई तो मांगो भाई, इतनो अकील नहीं है तो तुम नहीं भोगोगे तो कौन भोगे? लाखों रुपए का वोट लोग अपने जात के नाम को मुफ्ते में दे रहा, और फिर 5 वर्ष बैठ के रोता है कि भैया बड़ा गरीबी है, बड़ा भ्रष्टाचार है। तो विकल्प बनाना है तो आपको हमको लगना पड़ेगा, ये व्यवस्था दल नहीं है, ये प्रयास है कि बिहार में हर वो आदमी जो नया विकल्प नया दल बनाना चाहता है उसको साथ में लिया जाए, उसको साथ में लेकर चला जाए, ताकि कल होकर आपको अच्छे नेता और अच्छे दल के अभाव में मजबूरी में किसी को वोट न देना पड़े। और इसी प्रयास में लगे हुए हैं, 16 महीना लगा है। एक चीज मैं आपको कह सकता हूं कि चाहे 16 महीना लगे या 16 बरिस लग जाए, एक बार जब सोच कर आ गए और इस काम को ठान लिया तो दुनिया में कोई आदमी पीछे नहीं धकेल सकता, इसको किए बगैर मानेंगे नहीं, चाहे जितना बरस लग जाए, जितना महीना लग जाए, जितना काम करना पड़े, ये सोच समझ कर आए हैं। और एक अंतिम बात, जितना लोग को लग रहा है तो बढ़िया बढ़िया बतिया रहे, होगा क्या देखा जाए क्या होता है, आपको एक चीज बता दें, आप हमको इतना गहराई से नहीं जानते, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो ऐसे इमोशनल होके काम ठान लेता है। भोजपुरी में हम लोग का एक कहावत है, बज के बुझना और बुझ के बजना। बहुत लोग है पहले बज जाता है फिर बुझने लगता है कि इसमें क्या दिक्कत है। हम दूसरे कैटेगरी वाले अगर यहाँ आए हैं बिहार में लड़ाई ठाने हैं तो सोच समझ कर आए हैं कि इसको करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा, और वो सब सोच समझ कर ये जीवन में निर्णय लिया है कि इसको करना ही है, चाहे जो भी करना पड़ेगा, और अपने जीवन काल में इसको करके आपको दिखाएंगे। आपको तय करना, आपको मन है इसमें जुड़िए, और न मन है तो जिसका झंडा उठाकर घूम रहे घूमते रहेंगे। अब आप लोगों के जो सवाल है आप सवाल कीजिए, आपकी स्वतंत्रता है, आपके पास 2 घंटा भी समय है, आपको हड़बड़ी होगी, हम तो यही रहते हैं, आप जितना चाहे सवाल कर सकते हैं, कटु से कटु सवाल करने के लिए आप स्वतंत्र हैं।